दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों आईपीएल का 15वां सीजन 4 बार की चैंपियन सीएसके के लिए कुछ खास नहीं गुजर रहा है। हाल यह है कि टीम ने 12 मुकाबलों में महज 4 जीत एवं 8 हार के साथ प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। टीम को अभी भी 2 मुकाबले खेलने हैं लेकिन ये मैचअप सिर्फ औपचारिकता मैच रह गए हैं। चेन्नई की टीम इस गम को भुला पाती उससे पहले ही चेन्नई के खेमे में एक बड़ी हलचल देखी गई। दरअसल टीम के 36 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज अंबाती राडू ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। मौजूदा आईपीएल सीजन उनके करियर का आखिरी सीजन होगा लेकिन कुछ देर बाद इन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। दोस्तों राडू के इस पोस्ट से कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मौजूदा सीजन में टीम के खराब प्रदर्शन के खेमे में हलचल मची हुई है। पहले जडेजा चोट की वजह से बाहर हुए, अब उनके बाद राडू का यह मामला सीएसके के खेमे में बड़ी हलचल को संकेत दे रहा है। दोस्तों उनका यह ट्वीट मैं आपको अटैच भी किए दे रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें मौजूदा सीजन में राडू के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने इस सीजन में अपनी टीम के लिए कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान 10 पारियों में उनके बल्ले से 27 की औसत से 271 रन निकले हैं। राडू का मौजूदा सीजन में स्ट्राइक रेट 124 का है और उनके बल्ले से 1 पारी भी निकली है। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।